ठीक गलत काम किया है, मुंडी हिलाना अगर हाँ नहीं तो ना। पटना का पारस हॉस्पिटल, पटना या इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग इस हॉस्पिटल के बारे में जानते होंगे। कारण दो है, पहली कि पटना के सबसे महंगे हॉस्पिटल में इसका नाम आता है, दूसरा हमेशा से ये हॉस्पिटल खबरों में रहता है। एक बार फिर से इस हॉस्पिटल की चर्चा हो रही है और कारण है बहुत ही घिनौने और अमानवीय घटना। आपको बता दें कि एक बार फिर से इस हॉस्पिटल पे आरोप लगा है कि यहाँ पे आईसीयू में भर्ती एक महिला के साथ यहाँ के 4-5 स्टाफों के द्वारा गैंगरेप किया गया है। पूरे घटना की जानकारी एक बच्ची के द्वारा दिया गया है, सोशल मीडिया पर उसके द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उस बच्ची की माँ के साथ, जो कि पिछले कई दिनों से पारस हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में आईसीयू में भर्ती थी, उनके साथ गलत काम किया गया है। हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो भी, साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि प्रशासन के द्वारा उस वक्त पूरे मामले पे क्या कहा गया। सर आरोप गंभीर है, महिला ने आरोप लगाया है युवती ने कि उसकी माँ के साथ गलत काम हुआ। नहीं तो आप जांच में क्या हुआ? प्रारंभिक आप लोग जांच करने पहुँचे हैं क्या, कुछ मामला सामने है? जांच चल रहा है, कहना कुछ मुश्किल है, थानाध्यक्ष महोदय है वही जांच कर रहे हैं, दूसरे मैटर में जा रहे हैं। नहीं तो आप आएंगे इस मामले में, प्रथम दृष्टया क्या पूछताछ में बताया? अंदर में पूछा जा रहा है, पूछताछ चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। आवेदन दिया गया है लड़की के तरफ से? उसकी आवेदन नहीं दिया गया। अच्छा तो लड़की ने क्या बताया? अभी साथ में है। नहीं तो कुछ तो बताया होगा ना, आपने जाँच करने आए हैं तो बोल ही रहे। हाँ क्या चलिए चलिए ठीक है, ठीक थैंक यू। अभी खंगाला नहीं गया है, आरोप लगाया गया है ना सर? हाँ बोलना रिकॉर्ड कर रहे, ठीक गलत काम किया है, मुंडी हिलाना अगर हाँ नहीं तो ना, मुंडी हिलाना गलत काम किया है। के बजे रात को हाँ कब कब किया मम्मी? शाम में किया है, मेरे जाने के बाद तो आपने वीडियो देखा किस तरह से आईसीयू में भर्ती महिला के द्वारा पारस अस्पताल के 4-5 स्टाफ पे आरोप लगाया गया कि उनके साथ गलत काम किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अब की जा रही है, पुलिस भी मौके पे पहुंच चुकी है, वहीं पारस हॉस्पिटल के द्वारा भी मामले की जांच की जा रही है। हम जैसे ही इस खबर के बारे में और कोई जानकारी आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहें प्रयास न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत